हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और लगभग 11 बज रहे हैं और मेरा सारा काम हो चुका है, सिर्फ मुझे लंच बनाना है। तो अभी फिलहाल मैं नहा ली हूँ, लेकिन अभी कपड़ा मैं छत पे नहीं डाली हूँ। और आज मेरा बालकनी भी फुल हो गया है पूरा कपड़ों से। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि सब्जी काट लेती हूँ, उसके बाद छत में जाऊंगी। तो फूल गोभी भी है और बैंगन भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा उड़द की बड़ी और चना दाल की जो पूनम जी ने मुझे दिया था वो मेरे पास है, तो मैं बैंगन बना देती हूँ और चटनी मूंगफली की। तो चलिए मैं सब्जी काट लेती हूँ। सबसे पहले मैं बैठी से ही काटती हूँ सब्जी। तो सबसे पहले बैंगन, काफी दिनों से आया हुआ था बैंगन, वो खराब भी हो गया है। एकदम साफ है। और अब ये नया आलू है, तो नया आलू चाकू से छिला सकता है। और मैंने आलू बैंगन दोनों कटिंग कर लिया, ये देख सकते हैं आप लोग। तो मैं जल्दी से सब्जी छौंक देती हूँ। थोड़ा सा आलू का भुंजिया है तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ। जीरा, मेथी और सरसों, इसका मैं फोरन दूंगी। चलिए अब छत पे चलती हूँ और कपड़ा। ज्यादा कपड़ा नहीं था इसलिए नहीं था कि मैं कल सब कपड़ा धो दी थी, तो वो नीचे बालकनी में है और यहाँ पर जगह नहीं था, मतलब बालकनी में जगह नहीं था, इसलिए मुझे दो कपड़ा डालने ऊपर आना पड़ा। और मैं मास्क अभी धोई हूँ, वो सब मैं नीचे डाली हूँ क्योंकि वो डेली का यूज का है। अब उसको ऊपर लेने कोई आने उसको ऊपर लेने कोई नहीं आने सोचता है ना। मैं दरवाजा बाहर से बंद करके गई हूँ। महलों का राजा मिला की रानी बेटीरा। घर पहुंच चुकी हूँ तो मैं इस दरी को यहाँ बिछा दे रही हूँ क्योंकि बच्चे आएंगे, 3-2.5 बजे से आने लगते हैं, यहाँ बैठेंगे। और मैं कल जो कपड़ा धो के डाली थी तो वो बालकनी में है, देखती हूँ सूखा है या नहीं। ये है, ये पैर पोछना है तो बाथरूम के दरवाजे पे रहता है, इसलिए मैं इसको ले आई हूँ। बाकी कपड़ा भी सूख गया मगर मैं इसको और अच्छे से सूखने देना चाहती हूँ। तो अभी फिलहाल मैंने सब्जी छौंक दिया है चावल के लिए, आप देख सकते हो पानी भी मैं चढ़ा दिख चुकी हूँ। अब मसाला पीस लेती हूँ। उससे बात करते करते मुझे पानी प्यास भी लग गया है तो मैं पानी पी ले रही हूँ। और उमेश भी आ गए हैं दूध लेके, तो चलिए दूध ले जाते हैं। मैं छन्नी से छान के लेती हूँ दूध।
बनाइए स्माइल फ्लेज। उमेश का भी मैंने बना दिया, वो भी अच्छे हैं। हाय, और मैं छत से ही, और मेरा बकेट यही रह गया। रुके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए मेरा बकेट यही रह गया और मैं अंदर चली गई। चलिए मैं इसको भी ले लेती हूँ। फिलहाल मैं दूध भी लेके आ चुकी हूँ। अभी मैं दूध चढ़ाया नहीं है, चावल हो जाएगा उसके बाद दूध चढ़ाऊंगी। तो मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ, सब्जी में का रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि छोटा वाला स्कूल से भी आ गया है। तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ और आप लोग से बात करने के क्रम में बरी, उड़द की बरी और चना दाल की बरी डालना भूल गई थी। तो क्योंकि बैंगन की सब्जी में बहुत अच्छा लगता है ना, तो फिर मैं आलू को निकाली, उसके बाद फिर बरी को भूंजी, तब मैं डाली हूँ। अभी बैंगन भी डाल चुकी हूँ, देखिए। और ये दूध अभी नहीं बॉयल की हूँ, तो मैं पहले चावल बना देती हूँ साइड में। और मसाला भी देखिए मैंने रेडी कर लिया है। फिर धनिया पाउडर मैं नहीं पीसती हूँ, वो धनिया का पैकेट मंगा के रखती हूँ, तो वो ऊपर से डालूंगी। और काली मिर्च भी ऊपर से डालूंगी। तो मसाला भी पीस लेती हूँ, मिक्सी यहाँ। चावल को मैं धोती हूँ गर्म पानी में, तो मैं धो देती हूँ। देखिए गर्म है बहुत, और मेरा मसाला भी रेडी हो गया है, सब्जी में डालना है। और इधर मैं चावल को भी धोकर डाल देती हूँ। आज मेरा नाश्ता का बर्तन ज्यादा नहीं है, लेकिन जो ही है, दो तो कप है, दो प्लेट है, तो उसको मैं धो ले रही हूँ। और मैं गर्म पानी में चावल इसलिए धोती हूँ कि उसका कोई भी, मेरी माँ भी धोती थी, तो हम लोग माँ से ही सीखे, कोई भी उसे, अगर उसमें कोई स्मेल है तो वो चला जाएगा। नहीं तो कभी कभी आप खाइए के, मतलब खीर वगैरह, तो एक अजीब टाइप के स्मेल आते रहते, तो गर्म पानी में धोने से वो सारा स्मेल चल जाता है। तो चावल का कोई भी मतलब अजीब नहीं लगता, अच्छा लगता है। बस इसलिए हम लोग आदत है गर्म पानी में धोने का, तो मैं धोती हूँ। अच्छा तो है, साफ सफाई तो रखनी ही चाहिए। तो मैं जो भी दो प्लेट है दिखा देती हूँ आपको क्या है। ये देखिए दो कप है, और ये प्लेट गंदा नहीं है, लेकिन यहाँ रखा था तो इसमें पानी पड़ चुका है, तो इसको मैं धो दूंगी। और ये चाय का बर्तन है, बस इतना ही है मेरा नाश्ता का बर्तन। और ये कुकर है, तो मैं सबको धो देती हूँ। ये बैंगन की सब्जी में मैं एक टमाटर डालूंगी, जो आप देख सकते हैं मैं धो के वहां रख चुकी हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगी। यहाँ नीचे रहेगा ना, तो बस दिमाग से उतर जाएगा और मैं ऐसे ही बना दूंगी। ये देखिए चावल भी खोल रहा है। और ये सब्जी भी बड़े डाल के दिया। मेरा चावल हो गया है ये देखिए, और ये मैंने दूध चढ़ा दिया है, और ये सब्जी जब तक दबक रहा है तब तक मुझे भूख लगी है, तो मैं गुजिया बनाई थी, तो चलिए मैं गुजिया खाती हूँ। मैं गुजिया और निमकी बनाई थी, तो चलिए दिखाती हूँ। कल के ब्लॉग में जो मैं घी निकाल रही थी, तो मेरा घी मतलब मलाई से तो घी निकल चुका, लेकिन मैंने उसे डब्बे में नहीं डाला, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ओहो, ये अभी फिलहाल जमा हुआ, तो इसको मैं शाम को निकालूंगी, मतलब मेल्ट कर दूंगी, गरम कर दूंगी, तो ये मेल्ट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं छान के इसको ये डब्बे में डाल दूंगी, तो वो मैं शाम को करूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। घी को जब मैं मेल्ट करके डब्बे में डालूंगी, ट्रांसफर करूंगी छान के, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वो अभी मैं नहीं करूंगी, थोड़ा ये काम निश्चिंत से आराम से करूंगी। अभी तो फिलहाल बच्चे आने वाले हैं, तो मेरा ध्यान लगभग वहीं लगा हुआ है, अभी टाइम नहीं हुआ, लेकिन देखिए मेरा घड़ी फास्ट है, 2:25 हो रहा है, लेकिन बच्चे जल्दी आ जाते हैं, तो अभी फिलहाल मैं पढ़ा लूंगी, उसके बाद मैं शाम को डालूंगी। और यहाँ का पूरा धान कट रहा है, क्योंकि पक गया है बारिश के चलते, थोड़ा सा मतलब फसल नष्ट भी हो गया था, लेकिन पूरा धान कट रहा है, तो वहां अगर मैं शाम को थोड़ा उजाला रहा, तो मैं आपको वहां जरूर ले जाऊंगी और वहां का सीन पूरा दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। देखती हूँ कहाँ तक कटा, देखिए पूरा धान कट रहा है, और उतना कट गया है, ये तो दूर से था, लेकिन मैं आपको वहां ले जाकर के दिखाऊंगी, तो सामने वाला खेत जब कटेगा तब, यहाँ का भी पक गया है, लेकिन अभी वो फिलहाल शायद नहीं कटेगा। घी बना भी लिया, मतलब मेल्ट कर दिया,
देखिए कितना सुंदर, और स्मेल तो इतनी अच्छी है कि मत पूछिए। इतना सारा घी भी निकल गया मेरा, ये ठंडा हो गया, थोड़ी देर मैं और गर्म कर दूंगी। आप चाहे तो इससे भी ज्यादा ब्राउन कर सकते इधर, और ये देखिए इतना घी निकल गया। मैं इसको दिखा देती हूँ ऊपर से, ये देखिए पहले इतना येलो येलो जितना है, और भी इतना निकला।